आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दारू के नशे में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व तीन मासूम बच्चों पर फावड़े से किया जानलेवा हमला। पत्नी और उसके बड़े बेटे की हालत गंभीर। हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करके आरोपी को कोराबार पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने दी जानकारी। गोरक्ष नगरी से संगम नगरी प्रयागराज पहुंचना होगा और आसान। 80 किलोमीटर कम हो जाएगी गोरखपुर से प्रयागराज की दूरी। घाघरा नदी पर कमहरिया घाट पुल का गुरुवार को लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर, आजमगढ़, जौनपुर, अयोध्या के लिए भी बेहतर कनेक्टिविटी का नया विकल्प। 500 गांवों की 20 लाख आबादी को होगा फायदा। ईंधन व समय की होगी बचत। जगह थाना क्षेत्र के ग्राम सभा गहिरा के एक वायरल हुए वीडियो में पीड़ित पक्ष ने लगाया आरोप कि मामला जगह थाने का होने के बावजूद किसी भोला प्रसाद नामक व्यक्ति को जमीन कब्जा करा रही थी चौरी चौरा पुलिस। एसपी नॉर्थ ने कहा जगह व चौरी चौरा थाने के पुलिस ने की आवश्यक विधिक कार्यवाही। अनियमितता पाए जाने पर सीओ चौरी चौरा से जाँच करा कर की जाएगी उचित कार्यवाही। जनजातियों को संगठन से जोड़ने का मंत्र देंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में गुरुवार को होंगे शामिल। बुढ़िया माई मंदिर स्थित पोखरे पर नाव चलाने वाले नाविक को एसएसबी के जवानों से किराया मांगना पड़ा महंगा। पहले एसएसबी के जवानों ने जमकर पीटा नाविक को। खोराबार थाने में ले जाकर नाविक के खिलाफ दी तहरीर। तहरीर मिलने पर खोराबार के थानेदार ने भी जमकर नाविक की पिटाई। फोटो हुआ वायरल। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा नाविक की पिटाई करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही। संगठन को मजबूत करने के लिए सपा चला रही है सदस्यता अभियान। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। कहा 2024 में दिल्ली के सत्ता से बेदखल होगी भाजपा सरकार। और जब पड़ोसी ने मांग लिए बर्तन तो जमीन पर रखकर खाया खाना। विभाजन निवेशिका स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में 5 दिनी प्रदर्शनी हुई शुरू।